नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, मैं डॉक्टर विजयेंद्र गोविंद गुप्ता असिस्टेंट। आज हमारे सामने सर बैठे हैं जिनको फाइमोसिस है और साथ में फेनुलम की भी प्रॉब्लम है। तो ये जानेंगे हम ये सर कहाँ से आए हैं और ये प्रॉब्लम इनको कब से है। सर कहाँ से आए हैं आप? झारखंड। ठीक है, ये फाइमोसिस आपको कब से है? ये पिछले लास्ट 7 to 8 ईयर्स। हाँ जी, अप्रोक्स 7 to 8 ईयर्स। अच्छा, तो आप झारखंड से डॉक्टर विजयन तक कैसे पहुँचे? जी, मैंने उनका वीडियो देखा नेट पर और एक बार पहले भी आया था। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कतें आती थी ये फाइमोसिस से? क्या दिक्कत आती थी? फाइमोसिस वही लिटिल पेन होता है, जब इरेक्शन होता है तो लिटिल पेन इन द स्कॉटम एंड यूरिन के साथ स्पर्म का लीकेज। अच्छा, और लॉट्स ऑफ इचिंग इन आवर प्राइवेट पार्ट्स एंड जैसा आप देख पा रहे हैं वो क्या बोलते पिंपल्स लाइक स्पॉट्स हो गए हैं। और जहाँ भी आपका जो ये मिडिल फिंगर है वहाँ पे। अच्छा, जैसे झारखंड से इतनी दूर से आप आए हैं, जेड एस आर तो बहुत से लोग करते हैं, बट आप डॉक्टर विजयन के पास ही क्यों आए? हाँ, जेड एस आर के लिए एक बार हम प्रिस्टन केयर में भी गए थे। हाँ, तो वहाँ पर हम अराइव कर गए थे, बट मेरा एक फ्रेंड बोला कि वो लेज़र के थ्रू करते हैं प्रिस्टन केयर में। हाँ, प्रिस्टन। अच्छा। रांची। हाँ हाँ, तो मेरे को मेरा दोस्त बोला कि फर्दर आपको प्रॉब्लम होगा लेज़र के थ्रू कराओगे तो। अच्छा, कहीं बेस्ट जेड एस आर के लिए कंसल्ट करो। और उन्होंने ही मेरे को ऐड किया कि एक सर हैं दिल्ली में, वो रिनाउंड जेड एस आर हैं। हाँ हाँ, तो वहीं पे आपको हम अपॉइंटमेंट करा देते हैं, विजिट करो। फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे ओरिजिनल जेड एस आर सर्कमसीजन, ओरिजिनल जेड एस आर 1.0 सर्कमसीजन। आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि पेशेंट है, ग्रेड 1-2 बलनाइटिस है, फिमोसिस है, फिमोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है। तो आप देखिए जेड एस आर ओरिजिनल, 2 मिनट लगते हैं, पेनलेस सर्जरी है, सर्जरी के बाद फिर बात करेंगे। मैं छोटा सा इंजेक्शन लगा रहा हूँ आपको। आपने देखा नो ब्लीडिंग, ब्लडलेस, एक बूंद ब्लड नहीं है, 2 मिनट सर्जरी के, ब्लडलेस, पेन, स्टिचेस, नो स्टिचेस, फ्रेनलोप्लास्टी में स्टिच नहीं लगे। मैंने सर्जरी में दिखाया आपको किस तरह फिमोटिक रिंग थी, वो ठीक हो गई। इस पेशेंट को इरेक्शन में फ़ायदा मिलेगा, साइज में फ़ायदा मिलेगा, पेशाब में फ़ायदा मिलेगा, ब्लनाइटिस में फ़ायदा मिलेगा, हर चीज़ में इसको पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो ऑलवेज चूज़ ओरिजिनल जेड एस आर।
जैसे कि सर आपने बताया कि आप झारखंड से आए हो और आप आपने सर्जरी करा ली जेड एस आर सर्कमसीजन, तो मैं जानना चाहूँगा कि सर्जरी के बीच आपको कोई पेन वगैरह रहा क्या? नहीं। तो कितनी देर की सर्जरी थी ये? 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट की सर्जरी थी। तो आपको सर ने क्या बताया कि अब क्या करना है आगे? रिंग कितने दिन में निकल जाएगी या कब ड्रेसिंग करनी है? रिंग तो बोले कि 8 दिन बाद निकल जाएगा, उसके कुछ भी कर सकते हैं, सेक्स जो भी। हाँ। और कल एक बार आना है ड्रेसिंग के लिए। अच्छा। उसके बाद फिर हम घर वापस लौट सकते हैं। अच्छा। फिर अपने से ड्रेसिंग अपने कर सकते हैं। हाँ। तो फॉलोअप के लिए सर ने आपको कब बुलाया है कि दोबारा कब दिखाना है? हफ्ता बाद, 10 दिन बाद? कल एक बार आना है मुझे, कल ड्रेसिंग के लिए आना है। हाँ। ठीक है। रिंग ऑलमोस्ट आपकी कब बताएगी, रिंग कब कितने दिन में निकल जाएगी आपकी? 8 दिन। 8 दिन में तो फॉलोअप के लिए बुलाया होगा उसके बाद। हाँ। ठीक, ओके सर, थैंक यू।